नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। डेढ़ माह के मासूम को 51 बार गर्म सलाखों से दागा, इस वजह से परिजनों ने उठाया कदम। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, मासूम को शहडोल रेफर किया गया है। बालक एनसीयू में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। छतरपुर में खड़ी बाइक को चालू करते समय लगी आग, धू धू कर जली हुई खाक। छतरपुर में एक बाइक को चालू करते समय उसमें आग लग गई। बाइक पर बैठकर आए तीन युवकों के बजाय उसे एक राहगीर चालू कर रहा था, जाने उसने क्या बेवकूफी की। राजनगर में कांग्रेस की हत्या पर घिरे बीजेपी प्रत्याशी, कांग्रेस ने दो वीडियो जारी कर कहा झूठा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच छतरपुर की राजनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। अब कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी के दो वीडियो जारी कर झूठा बताया है। बांधवगढ़ में आदिवासी महिला सीएचओ से चुनाव ड्यूटी के दौरान छेड़छाड़, सेक्टर मजिस्ट्रेट पर केस दर्ज। उमरिया से बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा आदिवासी महिला सीएचओ से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बीमारी का बहाना बनाकर महिला सीएचओ को अपने पास बुलाया था। प्रदेश में महिलाओं ने चुपचाप कर दिया खेला, भाजपा कांग्रेस में मची खलबली। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 230 सीटों में 34 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही महिलाओं को अपने पक्ष में वोटिंग करने का दावा कर सरकार बनाने की अटकलें लगा रहे हैं। बच्चों को खिलाड़ी बनाकर हवन करवाया, टीम इंडिया की जीत के लिए हुई विशेष पूजा अर्चना। नागरिकों को मैच दिखाने के लिए भी कई स्तर पर आयोजन किए गए हैं। शहर के होटल, मॉल्स और प्रमुख बाजारों में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि लोगों को स्टेडियम के जैसा आनंद आए। रेहली भाटी हिंसा मामलों को लेकर कमलनाथ बोले, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए आगे आए कांग्रेसी। रेहली और अटेर विधानसभा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रशासन को निशाने पर लिया है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया और गोपाल भार्गव पर भी आरोप लगाया है। नाथ ने अपने कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की है। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि सबका हिसाब किया जाएगा। लोन की आखिरी किश्त के लिए गुंडों ने धमकाया, तीन बेटियों को छोड़ पिता ने की आत्महत्या। इंदौर में लोन की आखिरी किस्त न चुका पाने वाले पिता ने आत्महत्या कर ली। वे सेफ का काम करते थे, घर पर पत्नी माँ और तीन बेटियां रह गई हैं। क्रिकेट फैंस बोले, हे भगवान शमी को शक्ति दो, भारत की जीत के लिए किया रुद्राभिषेक। क्रिकेट वर्ल्ड कप में रविवार को होने वाले हाई वोल्टेज मैच को लेकर फैंस का उत्साह और जोश चरम पर पहुंच गया है। क्रिकेट प्रेमी अपनी पसंदीदा टीम की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भारतीय फैंस भी इंडिया के लिए हवन पूजन कर रहे हैं। कई मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है तो कहीं रुद्राभिषेक। विधायक के बेटे पर गुंडागर्दी के आरोप, कांग्रेस बोली शराब पैसे बांटने की शिकायत पर सुनवाई नहीं। कांग्रेस नेता उत्तम पाल ने कहा कि भाजपा के कुछ लोगों को एक गाड़ी में साड़ी बांटते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने जब पकड़ा तो उन्होंने उनके साथ मारपीट की। इसकी शिकायत करने के बाद भी घंटों तक FIR करने के लिए इंतजार करना पड़ा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।